शादी कर लो दोनों जना, क्यों नहीं मान रहे हो? तुम लोग को ही अच्छा रहेगा। का कहा का कहा? शादी करो, कोई रहेगी तुम्हारे साथ, सोने में बैठने में सब में तो अच्छा होगा। अतने दिन से फुसला के रखे हो दोनों जना, कंवारा मरे जीत है। तो क्या तुम कहा तो कि शादी कर लो? मेरे लिए थोड़ी ना कह रही हूँ पागल, तुम दोनों के लिए ही तो कह रही हूँ। नहीं तो बहू जी, आप ही के लिए हम लोगों ने शादी नहीं किया है। अब देखो, दिखाओ, किसी दिन खाना खाती हो किसी दिन नहीं खाती हो, बनाना पड़ता है, कितना तकलीफ होता है। शादी करके लेके आओगे तुम लोग के, खाना बना के खुआएगी, तुम लोगों की कपड़ा छांटेगी और घर के सर सफाई पूरा टोटल काम करेगी। मैं तो सुबह शादी कर ले, हम तुमसे कर ले, बस तुम मेरे साथ भाग चलो बस। कैसी बात कर रहे हो पागल, तो तुम्हारे भैया क्या करेंगे? अरे भैया तो थोड़े जानते हैं, भैया भी थोड़े आवत है। नहीं, अच्छे अच्छे से लड़की देखो और शादी करो। ना तुम लोग को लड़की देखने में तकलीफ हो रही है तो मैं ढूंढ दूंगी ना तुम दोनों के लिए अच्छी। इतने दिन ध्यान नहीं आ रहा है कि हम लोग शादी करे वाले हो गए हैं, तब तो पूरा आओ। अरे शांत शांत तरीका से सोचो। हाँ हाँ हाँ, सोचा शादी कर लो क्या? इतने दिन तो आओ आओ तो पागल ना, तुम दोनों ना, पागल हो गए क्या? मैं थोड़ी ना, तुम दोनों की जब शादी हो जाएगा तो क्या मैं थोड़ी ना दूर हो जाऊंगी तुम लोग से? अच्छा, मैं तो साथ नहीं रहूंगी ना। अच्छा, खाली तुम दोनों की ख्याल रखे इसलिए बहुत हो गया तुम्हारा चटपट पट पट। हम लोग शादी नहीं करेंगे, तुम्हारे इंतजार में रहेंगे। क्या दिक्कत है तुम लोगों को शादी करने में, पहले मुझे बताओ क्या? कहां आपके कहां उनके लोग के चाल व्यवहार ढाल माल। अरे मैं भी तो रहूंगी ना। का रहूं? अरे जब मैं तो हुई हूँ तुम दोनों के साथ में तो तुम लोग ऐसे ना रखा करो, बहुत तगड़ा तुम दोनों को। हाँ तो तुम भौजी भगा लीजिए कल ले, ले एक से एक। ऐसी बात कुछ भी नहीं है, मैं रहूंगी दोनों के साथ में रहूंगी और मतलब जिंदगी भर के लिए रहूंगी। तब खाली करे कौन फायदा? अरे तुम दोनों को साथ रहिए तो ब्याह करे कौन फायदा? नौकरानी रख दिया जाए घरे, नौकरानी और शादी करके लाने में और नौकरानी रखने में। हाँ तो शादी करके लेके सुनो, नौकरानी के भी साथ। अरे उससे पता चलेगा। सुनिए ना, चिकन सर नौकरानी लाएंगे और नौकरानी के साथ भी और आपके साथ भी काम हो जाएगा ना। तो तुमको शादी करने में कौन सी दिक्कत है पहले मुझे ये बताओ? नौकरानी तुम रख सकते हो, उसके साथ तुम बैठ सकते हो, और शादी करोगे तो क्या हो जाएगा? आप माँ उनमा बहुत फर्क है ना। ए बाबा तो मैं तुम दोनों बाबा के ना ही हो आदमी बोलो, मतलब तुम लोग मेरे बात नहीं मानोगे? तुम दोनों ही तो बोल रहे थे कि तू आप जो इतने दिन से तुम्हारी ही तो बात मान रहे तो थे, आप क्यों नहीं मान रहे हो? मैं तुम दोनों की भलाई के लिए ही कह रही हूँ। मानने वाला बात कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचो तुम दोनों के। इतना ठंडा चल रहा है, जब तुम दोनों के जब तबीयत खराब हो जाएगा मालिश करेगी और तुम और क्या ख्याल रखेगी तुम दोनों के? अबे मेरे, अरे मेरे पति आएंगे। अबे बोल दिया हमको। अबे नहीं, अरे मिस्टेक, जब मेरे पति आएंगे। जबान लड़खड़ाने लगा, पहले तो आओ। हाँ अरे देवर बाबू मेरे बात सुनो, अब तो तुम्हारे भैया भी आ जाएंगे किसी दिन में, मैं उनके साथ रहूंगी कि तुम्हारे साथ रहूंगी? तो भैया को फोन करके बता देते हैं अभी। क्या वही क्या बताओगे? बात गई वाला कहानियाँ, मतलब तुम अपने भैया को मतलब हमारे सब बता दोगे? और का तो बता दो ना। का कहा हो? सब पता है तुम्हारे भैया को। तब कौन टेंशन, कौन फायदा शादी करे? तो आएंगे तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी पागल? अरे तो हम लोग एक दो दिन मैनेज कर लिया जी है। वो आप एक दो महीने, एक दो दिन, एक दो महीने के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए आएंगे ना। तो का जाएंगे तो का घर में बैठे रही है दिन भर? घर से बाहर ना निकली है आप? तुम्हारे भैया के साथ ही मैं चली जाऊंगी। हाँ तो हम लोग साथ में डिग्गी में बैठ के चले जाओ जी। कसम खाई है क्या मेरी बात ना मानने की? खाई तो नहीं है। तो क्यों नहीं मान रहे हो तुम दोनों? इतने अच्छे से मैं समझा रही हूँ, आज से ना तुम दोनों के लिए मैं खाना बनाऊंगी, ना कपड़ा छांटूंगी, ना तुम्हारे साथ में रहूंगी। मेरी बात साफ साफ सफा से सुन लो, बात साफ है। देखो तुम साफ है, कहां साफ है? साफ कहां पे साफ? मजाक क्यों कर रहे हो? तुम दोनों को शादी करना है, करो, नहीं तो ऐसे ही मरो। तो करना तो है ना,
करो तब तो कर लेना। तुम्हें अब इतने टाइम से क्या समझा रही थी, तुम लोग करेंगे ना हम लोग। ये दोनों तो पागल ही हो चुके हैं आपके प्यार में। सुनो कम से कम तुम तो मानो मेरी बात। कहा मानी, तो अत्ते दिन से तो ललचवावत रही हो। तक आप शादी कर लो दो सर। मतलब नहीं करोगे? नहीं करोगे तुम भी? आप कहा बताइए, करोगे या नहीं? एक दो दिन के लिए हो तो कई ले भाई, वो कौन दिक्कत। कौन पागल होगा एक दो दिन के लिए तुमको अपनी बेटी तुम्हारे साथ भेजेगा? कौन पागल है ऐसे? टेस्ट करेंगे ना पहले। देखो अभी तो तुम मतलब कोई घर में नहीं लेके आए हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा तकलीफ हो रहा है। जब शादी करके घर पे लेके आओगे, उसके साथ रहोगे तो तुमको खुद अच्छा लगेगा उसके साथ बैठना। नहीं, मेरे को तो एक दो दिन के लिए चाहिए अच्छा लगने के लिए। वैसे तो तुम जिंदगी भर के लिए है ही हो ना, वैसे भी हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं। अगर तुम दोनों में तो चलो शादी कर लेते हैं हम लोग। शादी कर तुम्हें ढूंढू लड़की? हाँ लड़की ढूंढो, तरह वो लड़की भैया के पास में रहेगी, आप हम लोग के पास। मेरे शादी तुम्हारे भैया से हुआ है, तुम दोनों से नहीं हुआ है। अरे जिसकी शादी जिसके साथ होता है वो उसी के साथ ही तो रहेगी ना। तो वही तो, भैया के साथ शादी हुई थी तो हम लोग के साथ में क्या कर रही थी इतने दिन। अरे तुम लोग दोनों मेरे देवर हो इसलिए थोड़ा ख्याल रख दिया, तो कौन से मेरे गलती कर दिया? अच्छा तो हम लोग तो देवर हैं भौजी का, थोड़ा जिंदगी भर ख्याल रखने के लिए। जिंदगी भर ख्याल रखने के लिए तुम्हारे भैया है अभी। अच्छा तो हम भी इस तरह ख्याल रख देना तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। जब तुम्हारे भैया है मैं बोल रही हूँ, तुम दोनों देखो दिखाओ शादी करो किसी लड़की से और आराम से अपने जिंदगी शादी कर ले जाए। तुम लोग को शादी करना है, बच्चे भी तो पैदा करना है, ऐसे ही रहोगे क्या जिंदगी भर? तुम हो ना बच्चे पैदा करने के लिए। अच्छा तो मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करूँ? ना भैया का बच्चा जैसे हमारा बच्चा। तुम दोनों के दिमाग में ना भूत चढ़ गया है, ठंडा है ना इसीलिए जम गवा है दिमाग। हवा देखो ना कब तक तेज। अपने दिमाग को निकालो बाहर, तेल लाए होते तो थोड़ा मसाज ही हुई जात। हाँ चलो बिहाव कर जी, पर ये एक बात मान लो तो। हाँ बताओ। हम भैया दो तीन दिन के लिए करवे बिहाव, जैसे कि लड़की अगर जो अच्छा लगा तो। लड़की देख के शादी करेंगे ना? नहीं दो तीन मेरे दिन साथ रहेगी तब मैं उसको ट्राई। तो ना बांध बांध के मारना चाहिए, बाल बाल बात के तुम्हारे हाथ और गोर दोनों बात के। हाँ, रस्सी से। हाँ, उल्टा लटका। और तुम गलती कैसा किया है तो तुमको कौन सा सजा मिलना चाहिए? तो तुम लोग मेरे बात क्यों नहीं मान रहे हो? बात मान रहे हैं ना, दो तीन दिन देखेंगे ओकरे बाद में अच्छा लगेगा तो शादी करूंगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो नौकरानी रख लूंगा। अच्छा हुई बात ना, तुम लोग राजा नहीं हो। हाँ, एक सिंपल सा मिडिल क्लास हो, मिडिल जैसे तुम लोग हो वैसे ही सोचो, राजा के तरह मत सोचो। ये देखती इतने हो? अच्छे से मैं दोनों को समझा रही हूँ, इसको तो मेरे बात समझ में ही नहीं आता है। ये और एक ये तो समझता है पर रॉयल का जूता है 12,000 का है ये, तुमको क्या पता? मोबाइल देखती हो? ऑस्ट्रेलिया से मंगाया हूँ। और ये जो तुम लिपस्टिक अभी लाल लाल पोत के रखी हो ना, ये मैंने ही दिया था। अपने बीबी लेके आओ और अपने बीबी को दो। जूता जो चमका रही हो ना ये भी हमने दिया है। पता है तो किसे सुना रहे हो तुम? सुनील को भी पता है, तुमको भी पता है। हाँ तो जब तुम ही का सब कुछ मिलत है, तेरा माल दाल झाल पाल। देखो मैं तुम्हारे भलाई के लिए सोचती हूँ। हाँ तो हम भी तुम्हारे। मुझे पता है कि तुम दोनों अभी पूरा मेरा ख्याल रखोगे, जब तुम्हारे शादी हो जाएगी तुम्हारी बीबी आएगी तो मतलब उनका भी तुमको ख्याल रखना पड़ेगा, उसके बाद मेरा होता है, मुझे सब पता है। पर तुम लोग को भी तो जिंदगी बनाना चाहिए ना। क्यों अपने जिंदगी बर्बाद कर रहे हो मेरे पीछे? जिंदगी भर अकेला रहना बहुत मुश्किल है। तुम जब अकेली थी तब हम लोग को यूज किया, अब हम लोग को डिफ्यूज कर रही हो। तुम्हारे दिमाग उल्टा कितना चलता है? हमारे रील ही उल्टा फिट हुआ है। देखो सुनील तुम तो कर लो शादी, अरे मान लो बात। बात जब करेगा तब करेंगे। ले ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना लड़की, देखिए दो तीन दिन मेरे साथ में रहने दीजिए, उसका चाल ढाल देखेंगे। चाल ढाल देखने के लिए तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा? शादी करके घर में लेके रखो जिंदगी भर के लिए लेके रहो। अगर जो बोल नहीं पाएगी उसका आंखें टेढ़ा होगा। देखेंगे ना, इतने बड़े बड़े आंखें भगवान ने क्यों दिया है देखने के लिए और एक कान सुनने के लिए? हाँ तो तुम लोग देखोगी तो हम का वहाँ पे टर्च लगा के देखेंगे का रतिया में? हम सब साथ में जाएंगे। हाँ। अच्छे से देखेंगे, बात करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। हाँ तो चले का भाई। हाँ हो
तुम पूछ किसको रहे हो? हाँ भगवान से पूछ रहा हूँ, का करें, मान जाएं? हाँ कोई आवाज ही नहीं आ रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, तो हम लोग कैसे जाएं? पागल हो सके हो सुबह? अच्छा, और शादी करने से पहले ना अपने दिमाग भी चेक करा लो। वही तो, हमारा दिमाग खराब है ना, तो हम कैसे शादियां कर ली? अब उसको बोलो, हम तो उसका पागल तो दिमाग ठीक है।